दोस्तों इस वीडियो पे मैं जो है आपको प्रिंटर शेयरिंग पे आने वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा। जब भी आप जो है दोस्तों प्रिंटर शेयरिंग में डालने के बाद क्लाइंट साइड पे आप प्रिंटर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से जो है एरर देखने को मिलेगा, और इसमें आपको कुछ डिफरेंट टाइप के आपको जो है एरर कोड देखने को मिलेंगे। ये जो है आप विंडो 10, 11 किसी में भी आपको ये जो है एरर फेस हो सकता है। दोस्तों इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप जो है पूरा वीडियो जो है जरूर देखें। तो चलिए जो है हम वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जिसपे हमको प्रिंटर जो है शेयरिंग करना है, और देखिए इसका नाम हमने PC1 दिया है आपको बताने के लिए। अगर हम प्रिंटर पे डबल क्लिक करते हैं जो शेयरिंग पे डला हुआ है उस पर, तो इस तरीके से एरर कोड देखने को मिलेगा। और अगर इसके बजाय अगर हम प्रिंटर के ऊपर राइट क्लिक करके कनेक्ट करने की कोशिश करें तो भी हमको जो है इसमें जो है कनेक्ट टू प्रिंटर करके ये एरर शो हो रहा है। इसमें एरर आपको जो है डिफरेंस शो हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन सॉल्यूशन सेम ही होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमको अपने दूसरे PC पे जाना होगा जिसमें कि हमने प्रिंटर जो है इंस्टॉल करके शेयरिंग पे डाला हुआ है। तो ये हमारा सेकंड PC है दोस्तों जिसमें विंडोज़ 11 डाला हुआ है और इसमें प्रिंटर इंस्टॉल है। इसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट मेनू पे यहाँ पर जो है रेज रजिस्ट्री एडिटर टाइप करेंगे या फिर रेज टाइप करेंगे तो भी रजिस्ट्री एडिटर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे आप जो है, और इसको ओपन करने के बाद जो मैं आपको जो बताऊँगा उस स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो आपको सबसे पहले देखिए आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है एच की लोकल मशीन, इस पे जाना है आपको। तो एच की लोकल मशीन पे जाने के बाद आपको जो है सिस्टम पे जाना है यहाँ पर। सिस्टम पे जाने के बाद आपको जो है करंट कंट्रोल सेट पे जाना है आपको, उसके बाद जो है कंट्रोल पे जाना है आपको, और उसके बाद दोस्तों नीचे आपको देखना है, सर्च करना है प्रिंट, प्रिंट पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं ये, तो प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है राइट साइड आप देख सकते हैं जो ब्लैंक एरिया है उस पर आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है और एक वैल्यू क्रिएट करना है आपको, जो एक की क्रिएट करना है एक। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे तो की करके जो ऑप्शन आ जाएगा न्यू करके, तो इस पर आप जो है 32 बिट पे जो है दोस्तों यहाँ पास वैल्यू क्रिएट करना है हमको जो है। और उसके बाद यहाँ पास आपको टाइप करना है RPC ऑथन लेवल प्राइवेसी एनेबल। तो लेकिन इसको टाइप कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। शुरू का जो है RPC है, में R आपको कैपिटल टाइप करना है यहाँ पास जो है, उसके बाद आपको ऑथन में जो है A जो है कैपिटल टाइप करना है आपको। और जो है दोस्तों मैं नीचे मैं आपको दे दूँगा आपकी स्क्रीन पे जो कि आप देख पा रहे हैं, उसको आप जो है डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं या फिर जो है डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूँगा ताकि आप जो है कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमको आपको टाइप करना है यहाँ पर जो है RPC ऑथन लेवल प्राइवेसी एनेबल्ड, ये हमको टाइप करना है। जैसे हम ये टाइप कर लेंगे उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली बाहर ही एक बार राइट क्लिक कर देना है आपको, इससे बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका वैल्यू चेक कर लेना है, अगर वैल्यू 1 होगा तो उसको 0 ही रहने देना है, और 0 है तो ओके कर देना है आपको। बाकी ये आप जरूर श्योर कर लीजिएगा कि इसका वैल्यू जो है 0 रहे। उसके बाद क्या करना है, ये हम इसको सिंपली इससे बाहर आ जाएंगे, इसको जो है एग्जिट कर सकते हैं इसको। उसके बाद क्या कहाँ जाएंगे हम जो है प्रिंटर स्पूलर को हमको जो है क्या करना है, एक बार रीस्टार्ट करना है। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर सर्विसेज पे जा सकते हैं या फिर जो है जिस PC के ऊपर जो है राइट क्लिक करके भी आप सर्विसेज पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर स्टार्ट मेनू में सर्विसेज टाइप करेंगे और सर्विसेज में जाके हम क्या करेंगे, सिंपली जो है प्रिंटर स्पूलर जो है उसको जो है हम रीस्टार्ट कर देंगे प्रिंटर स्पूलर सर्विस को। दोस्तों इसको हमने रीस्टार्ट कर दिया। कई बार ऐसा होगा दोस्तों, ये करने के बाद भी अगर आपको सेम एरर शो होगा तो आप क्या करेंगे, दोनों PC को आप जो है एक बार जो है रीस्टार्ट कीजिएगा जिसमें आपने प्रिंटर इंस्टॉल करके रखा है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने PC में फिर से चेक करने के लिए PC1 पे, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ हमारा प्रिंटर अब जो है। तो यहाँ पर फिर से चेक करते हैं, देखिए एरर सेम दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है क्या करेंगे, दोनों कंप्यूटर को एक बार जो है रीस्टार्ट करेंगे, फिर आपका प्रॉब्लम जो है ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टार्ट तो देख सकते हैं हमने फिर से यहाँ पर रीस्टार्ट कर दिया अपने प्रिंट सिस्टम को, और यहाँ पर फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इसको। तो देख सकते हैं हमारा ड्राइवर अब जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, और हमने जो है ये प्रॉब्लम जो है 100% सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों इसके बाद जो है मैंने एक और वीडियो इसमें अटैच कर दिया है इसी वीडियो पे, जिसमें कि आपको प्रिंटर जो है विंडोज़ 10 पे इंस्टॉल्ड है और जो है विंडोज़ 11 पे हम जो है उसको जो है शेयरिंग कर रहे हैं। तो उसमें जो है दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको बिना कंप्यूटर को रीस्टार्ट किए और डिफरेंट एरर कोड पे आपको यही मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
हैं।